हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा अग्रवाल। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, मैंने डाबर का गुलाब जल लिया है गर्मियों के लिए, और इसके बारे में रिव्यू दूंगी। और गाइज, गर्मियों में मैं इस गुलाब जल ही यूज करती हूँ क्रीम की जगह, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली है। ये देखिए गाइज, दाने निकले हैं, नाक पर निकले हैं। और गर्मियों में मैंगोज वगैरह खाते हैं, धूप मतलब गर्म करते हैं, वो उस वजह से भी निकले आते हैं। तो गाइज, ये देखिए काफ़ी कंपनियों के गुलाब जल आते हैं, लोकल मार्केट से भी मिल जाते हैं गुलाब जल। ये नेचुरल कंपनी का गुलाब जल है, थोड़ा इससे थोड़ा अच्छा कम लगा है मुझे। बट इसकी ये जो बोतल है स्प्रे वाली, इस गुलाब जल को मैं इसमें भर कर रखती हूँ, और इस तरह से ये देखिए इस तरह से स्प्रे कर लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस। और इस समय भी ये डाबर का ही मैंने इसमें डाला हुआ गुलाब जल, क्योंकि ये नेचुरल का था और काफ़ी दिन पहले लेके आई थी और ख़त्म हो गया था। सिर्फ स्प्रे की वजह से मैंने ये लिया था। ये भी ठीक ठीक सा ही है, बट ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए गाइस, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। प्यूरीफाइड वाटर, जैसे प्यूरीफाई किया हुआ वाटर, स्टेबलाइजर, रूह गुलाब मतलब गुलाब, गुलाब के फूल और रोज़ ऑयल। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एक्वा फ्रेग्रेंस रू गुलाब। एक तो खुशबू है अलग से रू गुलाब की, रोज़ ऑयल है, प्रोपिलीन ग्लाइकोन है इसमें, टेनोथी फिनोक्सीथिनोल है, टैथीलेन है इसमें, ग्लाइकोन सोडियम बेंजोएट। तो गाइज, इसमें प्यूरीफाइंग वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर तो गुलाब जल में नहीं डलता है। ये है 45 का, ये देखिए गाइज 45, और इसकी एक्सपायर डेट होती है 2 साल तक चलता है ये। और फेस पे लगाते ही एकदम ठंडा ठंडा फेस हो जाता है। तो गाइज, मैं गर्मियों में इसको यूज करती हूँ, सुबह उठकर इसको लगाती हूँ, क्रीम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि क्रीम से मेरे स्किन ऑयली है, और क्रीम लगाऊंगी तो और ऑयली हो जाती है। मेरी कंबाइंड स्किन है गाइज, गर्मियों में ऑयली और सर्दियों में ड्राई। तो गर्मियों में मैं रोज़ वाटर लगाती हूँ, बहुत मेरे काम आता है ये। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो इसको मैं बैग में रख कर लेके जाती हूँ, और रास्ते में जैसे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं हम गाड़ी में, तो 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद ये इस बोतल में डाल के लेके जाते गाइज, इससे नहीं लगता अच्छी तरह। इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, इसका गुलाब जल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर इसकी पैकिंग भी डाबर वाले स्प्रे की बनाते तो बहुत अच्छा रहता, बट ये सिंपल है, इस तरह से लेना पड़ता है दबाकर, और इसको सीधा छिड़क लो। तो गाइज, मैं तो इसको हमेशा कैरी करके बैग में रखती हूँ, गर्मियों में तो एकदम ज़रूरी। डेली लगाने से गाइज जो सनटैन है वो भी हटता है, हम इसको लगाकर धूप में बाहर जा सकते हैं, तो इसमें सूर्य की किरणें डायरेक्ट फेस पर नहीं पड़ती हैं, तो ये सनस्क्रीन का भी काम करता है। गर्मियों की वजह से डार्कनेस आ गई हो या वैसे ही डार्कनेस हो हमारे फेस पर, तो इसको डेली लगाएंगे तो 2-3 महीने बाद फेस गोरा होना शुरू हो जाता है। तो गाइज, ये मत सोचना कि लगाया और तुरंत रिजल्ट मिल गया। तो ये वाला गुलाब जल आप दूसरी कंपनियों का भी ले सकते हैं, अगर आपको शूट करता हो तो, और आप लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कैसा है। इसको लगाते ही चेहरा ठंडा ठंडा हो जाता है, और गाइज इस तरह से स्मूथ हो जाता है, सॉफ्ट। ये देखिए, डाबर गुलाबरी बोलकर आप ले लोगे तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। मैं इसका ऐड नहीं कर रही हूँ गाइज, ये मैं खुद खरीद कर लाई हूँ पैसों से, और उसी की मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ अच्छी है तो हमें बता देनी चाहिए अपने फ्रेंड्स को, एक दूसरे को। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो उसका रिव्यू मैं दे देती हूँ। एक मैं हिमालय का फेस वाश लेके आई थी, काफ़ी अच्छा है। तो फेस वाश तो सारे अच्छे होते गाइज, वो भी अच्छा था, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था, मैंने उसका रिव्यू दे दिया था। तो गाइज ठीक है, फिर ले आना आप भी ये, और गर्मियों में लगाना, ठंडा होएगा चेहरा। तो ठीक है गाइज, करती हूँ मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म। आप लेके आना इसको और यूज़ करना, और बताना मुझे आपको ये कैसा लगा। तो गाइज बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।